हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अब अगर आप लोगों को चिकन खाना पसंद है, मतलब ढाबे वाला फील लेना चाहते हैं, स्पाइसी खाना चाहते हैं, चटपटा खाना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए है भाई। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो चलिए बनाते हैं। जीरा आपको आधा चम्मच ले लेना है, एक बड़ी इलायची और चार छोटी इलायची लेनी है। हाँ, ये जावित्री का टुकड़ा एक छोटा सा डाल देना, चक्रफूल, चक्रधारी चक्रफूल एक डाल देना है आपको इसमें। साथ ही साथ लौंग डाल देना है जो काफ़ी शॉर्ट है, चार से पांच डाल दीजिएगा लौंग। उसके बाद आधा चम्मच आपको काली मिर्च डाल देनी है, अखी काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। इसमें आपको अजवाइन डालनी है, छोटा, दो से तीन चुटकी अजवाइन, एक तेज पत्ता जो तेज बिल्कुल नहीं है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, तीन से चार कलर के लिए, और इन्हें हम पीस लेंगे मिक्सर में सिंपल सा पाउडर बना। अब इस रेसिपी के लिए आपको सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, कड़ुआ तेल का ही इस्तेमाल करना है। तो लगभग 60 ml के जितना मैंने ऑयल लिया है, 60-70 ml के जितना। उसके बाद आपको इसमें चार प्याज चॉप करके डाल देने हैं मीडियम साइज के। इन्हें आपको तीन से चार मिनट पकाना है, या हल्का सा सुनहरा होने तक पकाना है। जैसे ही हल्का सा इसका रंग बदलने लगे, तब रंग बदलू प्याज के लिए आपको इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, जो है 1.5 tablespoon, एक और आधा चम्मच के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर से आपको एक मिनट पकाना है ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट झकाए तरीके से पक जाए। कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। ये चिकन लिया है मैंने, लगभग 1.25 किलो चिकन है, 1 किलो 250 ग्राम चिकन है। सभी पीसेस हैं इसमें, आड़े टेढ़े सभी पीसेस ऐड किए हैं मैंने। और उसके साथ हमने जो मसाला प्रिपेयर किया था वो डाल देना है। दो टमाटर आपको चॉप करके डाल देना है, मतलब अभी ही सारे मसाले आपको इसमें ऐड कर देने हैं। जैसे कि ये हमने हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच डाल दिया है, उसके बाद 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डाल दिया है, 2 बड़ा चम्मच आपको डाल देना है इसमें ये धनिया पाउडर, उसके साथ गर्म मसाला पाउडर भी 1 चम्मच डाल देना है आपको इसमें। नमक आपको स्वाद अनुसार ऐड कर देना है, और इसकी भुनाई करनी है लगभग 10 मिनट तक। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़ती है तो डाल देना, लेकिन भूनना है 10 मिनट तक मसालों को और चिकन को एक साथ। उसके बाद आपको इसे ढक देना है थोड़ी देर के लिए, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, ठीक है। और ये देखिएगा, पानी पूरा बाहर आ जाएगा। फिर आपको लगे कि हाँ और थोड़ा पानी डालना है तो आप डाल दीजिएगा। मैंने लगभग 200 ml के जितना वाटर और ऐड किया है, ढक के 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसे अच्छी तरह आपको मिला लेना है। फिर से आपको ढक के लगभग 10 मिनट तक इसे पकाना है। चिकन को बहुत बढ़िया कलर आ जाता है इसके बाद। आए हाय, देखिए मुंह में पानी आ गया, देख रहे हैं। तो अब इसके ऊपर कुछ नहीं, ये जो हरियाली डाल देंगे, जितनी मर्जी आप डाल लीजिएगा, हरियाली मतलब हरा धनिया, और बस आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। नान, बटर, रोटी, चपाती, घुइयां, लहसुन, दाल, पापड़, जो मिले आप उसके साथ इसे ठूंस सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। मोहल्ले और गांव देश में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।